का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिसकी कृपा से, जिनकी कृपा से आज मैं आप लोगों के बीच में बाहर आ सका। मैं उन लाखों करोड़ों लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। लाखों लोगों ने मन्नत मांगी, लाखों लोगों ने दुआएं की, आशीर्वाद भेजे, प्रार्थना की, मंदिर गए, मस्जिद गए, गुरुद्वारे गए, उन सब लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शरीर का एक एक कतरा, मेरे खून का एक एक कतरा देश के लिए समर्पित है। मैंने जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, बहुत बड़े बड़े संघर्ष किए, जिंदगी में बहुत मुसीबतें झेली हैं, लेकिन हर कदम पे भगवान ने मेरा साथ दिया है। ऊपर वाले ने मेरा साथ दिया, क्यों? क्योंकि मैं सच्चा था, मैं सही था, इसलिए भगवान ने मेरा साथ दिया। इन लोगों ने मुझे जेल में डाल दिया, कि केजरीवाल को जेल में डाल देंगे तो केजरीवाल के हौसले टूट जाएंगे। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं जेल से बाहर आया हूं, मेरे हौसले 100 गुना ज्यादा बढ़ गए हैं। इनकी जेल की सलाखें केजरीवाल के हौसले को कमजोर नहीं कर सकती। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, जैसे आज तक ऊपर वाले ने मेरे को रास्ता दिखाया, ऊपर वाले ने मेरे को ताकत दी, ऐसे ही भगवान मुझे रास्ता दिखाता रहे, मैं देश की सेवा करता रहूं। और ये जितनी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो देश के विकास को रोक रही हैं, जो देश को बांटने का काम कर रही हैं, जो देश को अंदर से कमजोर करने का काम कर रही हैं, जिंदगी भर में इनके खिलाफ लड़ाऊं, आगे भी ऐसे ही लड़ता रहूंगा। भारत।